हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैम वर्ड। माई सेल्फ दीपेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्टिव पार्ट था, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्ट की बात करी थी, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कैसे कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। लिगेंड्स के बारे में भी हमने एक हल्का आइडिया लिया था। आज फिर से हम लिगेंड के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स जनरली मेटल के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दैट मीन जो लिगेंड है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको? मेटल को। जब मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो भी स्पीसीज ऐसा कर रही होगी उनको कहेंगे हम लिगेंड। मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से मेटल के थ्रू जुड़ता है उसको लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड्स के जनरली हमने कल टाइप्स देखे थे। पहला जो टाइप्स था उसका नाम था मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब डोनर साइट, ठीक है। दूसरा हमने देखा था क्या? बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। तीसरा हमने देखा था क्या? एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। जनरली हमने इतने ही देखे थे, लेकिन इसके बाद भी होता है एक ट्राइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट, ठीक है। फिर होता है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। और जनरली इन दोनों को हम बोल देते हैं क्या? पॉलीडेंटेट। क्या बोल देते हैं? पॉली डेंटेट, ठीक है। अब हमें बात करनी है एक करके, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट मतलब वन डोनेशन। वन डोनेशन का मतलब वन लोन पेयर, केवल वन लोन पेयर एक बार में डोनेट करेगा। इसमें टू डोनेशन होगा, टू डोनेशन का मतलब टू लोन पेयर एट अ टाइम डोनेट करेगा। एम्बीडेंटेट मतलब टू डोनेशन साइट तो होंगी, लेकिन वो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। मेन है इसका यही पॉइंट है, टू डिफरेंट डोनेशन साइट बट वन लोन पेयर एट अ टाइम, एक ही टाइम पे एक ही लोन पेयर देता है, ठीक है। थ्री डेंटेट सिटी में कितना होगा? थ्री डोनेशन साइट होंगी, थ्री डोनेशन होगा, और थ्री डोनेशन होने के कारण यहाँ पे थ्री लोन पेयर्स जाएंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें हेक्सा मतलब सिक्स डोनेशन होगा और सिक्स लोन पेयर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम पॉलीडेंटेट्स कहते हैं। कल एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था क्या हम एम्बीडेंटेट को मोनोडेंटेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मोनोडेंटेट में क्या होता है? सिंगल वन लोन पेयर होता है। एम्बीडेंटेट में भी वन लोन पेयर होता है, लेकिन इसकी जो डोनेशन साइट होती है वो दो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है? केवल एक ही डोनेशन साइट होती है। लाइक सीएल माइनस, सीएल माइनस में केवल एक माइनस, एक ही डोनेशन है, एच माइनस में एक है। लेकिन यहाँ देखो CN माइनस, तो CN माइनस में यहाँ नाइट्रोजन और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसके साथ में एक माइनस वाला आ जाता है, और इससे यहाँ से भी और यहाँ से, मतलब A और B दो डोनेशन साइट हो गए, लेकिन वो A से दे सकता है या फिर B से दे सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ, बाइडेंटेट की बात करूँ, तो इसमें क्या होता था? NO2 माइनस होता था, NO2 माइनस मतलब इसमें A भी थी डोनेशन साइट, B भी थी। कैसे? ऐसे हमने कल देखा था, एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, एक डोनेशन साइट ए वाली और एक डोनेशन साइट बी वाली, तो ये दोनों से डोनेट करता था। तो एम्बीडेंटेट को हम मोनोडेंटेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम बात कर चुके थे एम्बीडेंटेट तक की, और उसके बाद हम जो बात कर रहे थे, हम बाइडेंटेट में बात कर रहे थे। बाइडेंटेट में हमने कल ऑक्सलेट आयन देखा था। ऑक्सलेट आयन जनरली C2O4-2 होता है, जो कि क्या करता है? मेटल को दो साइड से डोनेशन देता है, C OO- और C OO-, और बीच में यहाँ पे मेटल, तो यहाँ से भी डोनेशन साइट और यहाँ से। तो जो रिंग बनाता था, ये रिंग बना रहा है, क्या बना रहा है? रिंग। कितना? वन मेंबर, टू मेंबर, थ्री मेंबर। तो कितने रिंग बना रही? थ्री मेंबर रिंग बना रही है। और ये क्या है? एक बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है? ये रिंग बना रहा है, इसलिए कैसा है? ये बाइडेंटेट लिगेंड। कई बार इसको और भी तरीके से लिख देता है, C OO, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, और ये डोनेट कर रहा होगा मेटल की तरफ, ये डोनेट कर रहा होगा मेटल की तरफ। तो ये ऐसा भी बना के दे सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे। एक और लिगेंड होता है जिसको हम DMG के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? DMG से। DMG मतलब डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन। क्या नाम है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन। और ऑक्साइन बॉन्डिंग जो होती है,
ऑक्सिजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है जब भी कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिजन बॉन्डिंग। तो डाइमिथाइल मतलब दो सी एच थ्री है और ये जुड़ा है किससे, ऑक्सिजन बॉन्डिंग से, एन से। किससे जुड़ा है, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम। और नाइट्रोजन फिर कहां से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है किससे, यहां से ओ एच से, और ये भी किससे, ओ एच से। तो ये पूरी, ये जो पूरी बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है, ऑक्साइम बॉन्डिंग है। तो इसको इसका क्या नाम है, इसका नाम है डीएमजी। क्या नाम है, डीएमजी। और ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये क्या है OH, और ये क्या है O माइनस। तो ये क्या है यहाँ पे, इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट। क्या हो जाता है, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, या फिर इसी को हम कह देते हैं क्या, DMG-1। और जनरली जो मेटल कॉम्प्लेक्स में यूज होता है लाइक मेटल DMG-2, तो इस तरह में यहाँ पे जो डीएमजी की यहाँ पे चार्ज है वो कितना है, -1 है। तो अगर इस मेटल की ऑक्सीडेशन चाहिए तो X+2 × -1=0, तो X इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस तरह के मेटल की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात देखने की आई है, जो कि क्या है, निकल का कंपाउंड है। जब भी निकल डीएमजी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, निकल किसके साथ में, डीएमजी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब इसकी बात क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट देखने वाली होती है। क्यों, क्योंकि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स ये कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड मतलब खून की तरह रेड हो जाता है, ठीक है, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो कई बार पूछ भी सकता है आपसे, अगर आपको यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्स, ठीक है, अभी ऐसा ही तो निकाला था, तो यहाँ पे निकल किस में होता है, +2 में होता है। जनरली जो निकल है तो ये दो डीएमजी को कंटेन करता है, जब दो डीएमजी को कंटेन करेगा तो एक डीएमजी इस साइड से, एक डीएमजी उस साइड से जब आएगा तो कैसा आपको प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा CH3 बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड N यहाँ पे O H और यहाँ पे O माइनस। सेम कंडीशन में इस तरफ से CH3 बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, O H, ठीक है। तो अब बात आती है कि डोनेट कौन करेगा, डोनेशन साइट देखो कितनी सारी है इसमें, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर भी यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज भी है, तो ये क्या ये नाइट्रोजन से करेगा या माइनस चार्ज से करेगा या ऑक्सीजन से करेगा, तो ये जो होती है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या करता है, आपस में इंटरेक्शन करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब जो डोनेशन साइट आती है वो यहाँ से आती है और वो यहाँ से आती है, ठीक है, एक एक साइट हो गई, क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो एक यहाँ से डोनेट करेगा और एक यहाँ से। तो आप कहोगे कि चार चार डोनेट कर रहा है, लेकिन एक डीएमजी केवल दो का डोनेशन कर रहा है, दैट मींस ए बी से और ये भी ए बी से। तो ये क्या है, दो जगह से डोनेशन कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, मेटल को सराउंड कर लिया है, मेटल को चारों तरफ से क्या कर रहा है, इसको एक एक अंदर पैक कर ले रहा है, मतलब अपने अंदर खींच ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन होती है कौन सी, चिलेशन। ये कौन सी कंडीशन है, चिलेशन की कंडीशन है। जब भी कोई भी लिगेंड्स मेटल को सराउंड कर लेते हैं तो वो चिलेट रिंग बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कितने मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है यहाँ पे, तो जो देखने वाली बात है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड की है, 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, 5 मेंबर्ड की है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी 5 की है, 1 2 3 4, सॉरी एक मिनट काउंट करने दो, एक ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की, ये भी 6 की, मतलब 2 रिंग्स हैं जो कि क्या है, 5 मेंबर्ड की हैं, और 2 रिंग्स हैं जो कि क्या है यहाँ पे, 6 मेंबर्ड की हैं। और ये क्या है, चिलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, किसकी वजह से, चिलेशन की वजह से हो रहा है।
ठीक है, जितना ज्यादा चिलेशन होगा किसी में, जितना ज्यादा चिलेशन होगा, चिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के, मतलब जितना ज्यादा चिलेशन उतनी ज्यादा स्टेबल रिंग। अब ये चारों तरफ से इसको पकड़े हुए है तो कहीं नहीं जाने वाला कॉम्प्लेक्स, ये रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं जिनमें से एक और होता है जिसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में, आपको नेम लिख के आएगा बाय पाय, मतलब बाय पाय BIPY, इसका नाम होता है बाई पिरिडीन। क्या होता है? बाई पिरिडीन। और पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये क्या है? पिरिडीन का है, मतलब यहाँ पे एक डोनर साइट है। तो ये क्या है? एक पिरिडीन। लेकिन वो क्या कह रहा है? बाई पिरिडीन, मतलब दो पिरिडीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई है। और जब दो जुड़ी हुई है तो कैसे बना सकते हैं हम उसको? कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये तो ये डोनेशन साइट, ये डोनेशन साइट। तो क्योंकि इसमें दो डोनेशन साइट है, डोनेशन साइट ए, डोनेशन साइट बी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा कौन सा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर मेटल यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और जो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 रिंग, कितने 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और इसमें भी क्या होगा? चिलेशन होगा। तो बाई पाई और DMG ये क्या है? चिलेटिंग रिएजेंट है। और इसी तरह से क्या है, अभी हमने एक और देखा था जो क्या था? ऑक्सलेट आयन, वो भी क्या था? चिलेशन दे रहा था। एक और है आपके पास जिसका नाम है हाइड्राजीन। किसका क्या नाम उसका? हाइड्राजीन। जो हाइड्राजीन होता है वो भी क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। अगर हाइड्राजीन का मैं आपको नेम या फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है NH2 बॉन्ड NH2। तो यहाँ भी एक लोन पेयर होता है, यहाँ भी एक लोन पेयर होता है। और जब ये मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ से भी डोनेट कर देता है, यहाँ से भी। और 1 2 3 3 मेंबर्स की रिंग बनाता है तो ये भी क्या होता है? चिलेशन में होता है। ये भी किस में होता है? चिलेशन में होता है। ठीक है, तो डबल डोनेशन साइट है, एक साथ डबल लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले लिगेंड की, जो कि है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये थी किसके? बाइडेंटेट की लिगेंड की एग्जांपल्स। अब हम ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं। ट्राइडेंटेट मतलब थ्री डोनेशन साइट, मतलब एक साथ वो क्या करेगा? एक ही टाइम में 3 लोन पेयर्स डोनेट कर देगा। क्या करेगा? 3 लोन पेयर्स डोनेट कर लेगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, आपके लिए एग्जांपल दे लूं मैं, डाई इन मतलब इसका फुल फॉर्म अगर मैं देखूं तो क्या होगा? डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, क्या होगा? डाइएथिलीन ट्राइएमीन या फिर ट्राइएमाइन कह सकते हो। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डाइएथिलीन ट्राइएमाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? डाइइन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको देखें तो कैसा होगा? CH2, ये क्या है? ये क्या है? एथिलीन है, लेकिन दो चाहिए तो दो CH2 ले लिए, दो बार ले लिए। अब यहाँ से बैलेंसी करने के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे? NH2 ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे? NH2 ले लेंगे, और बीच में क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर? एक इसका डाइएथिलीन, मतलब एक एथिलीन और 1 2 3 एमीन है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और ये तीनों ही जगह से क्या कर सकता है? मेटल को डोनेट कर सकता है। जनरली जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये मेटल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे N लिख देते हैं, फिर ऐसे ये क्या है? CH2, फिर यहाँ से N, CH2, N, और फिर से CH2, और यहाँ पे N। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये मतलब तीनों साइड से क्या कर रहा है? ये डोनेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर एक इसका एग्जांपल देखें तो कोबाल्ट डाई इन का ट्वाइस, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी देखो, एक जगह से आ रहा, दो जगह से आ रहा, तीन जगह से आ रहा, मतलब एक जो
एक डाई इन है, मतलब एक डाई इन के ऊपर अगर चार्ज देखूं तो वो -3 चार्ज लेके आ रहा है, और जब -3 चार्ज लेके आएगा तो एक डीएम एक डाई इन की वजह से इनका चार्ज बढ़ जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे कोबोल्ट +3 में आएगा, किस में आएगा, कोबोल्ट +3 में आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कोबोल्ट ऐसा रहता है, अब इसके ऊपर एक बार यहां से ऐसा ऐसा, ये देखो ये डोनेशन दिखा रहा है, अगर यहां दिखाएं तो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन इथाइलिन नाइट्रोजन इथाइलिन नाइट्रोजन, एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इसको बना रहा है, रिंग लाइक बना रहा है, ठीक है। बीच वाले में एच भी रहता है, यहां पे इसमें क्या रहता है, एच भी रहता है, तो ये क्या बना रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब इसको चारों तरफ से घेर ले रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहां पे चीलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, चीलेशन कर रहा है, और जब भी चीलेशन क्रिएट करते हैं वो ज्यादा डेंटिसिटी वाले ही लिगेंड्स करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक साथ कितने 1 2 3 लोन पेयर, यहाँ से 1 2 3 लोन पेयर, यहाँ पे मतलब 6 लोन पेयर एक साथ मेटल को यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की या अगले उसके लिगेंड्स के टाइप की, तो वो होता है क्या, हेक्साडेंटेट, वो क्या होता है आपका, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में जो एग्जाम्पल है वो आपका EDTA, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अगर इसका एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देखें तो इथाइलिन मतलब CH2, ठीक है, ये क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन के बाद वो कह रहा है डायमीन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, फिर कह रहा है टेट्रा एसीटेट, एसीटेट मतलब CH3COH, CH3COH, यहाँ भी CH3COH और यहाँ भी CH3COH। अगर मैं COOH को और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं कह सकता हूँ COOH COOH COOH, यहाँ सी डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया, ठीक है। दैट मीन्स नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, दो हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4, चार ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, कितनी जगह डेंटिसिटी है, 6 जगह, 1 2 3 4 5 6, 6 डेंटिसिटी है, दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डोनेट करता है, जनरली जो कंसीडर करते हैं हम EDTA-1 कंसीडर करते हैं, EDTA-1, और EDTA-1 का मतलब है कि एक यहां से हाइड्रोजन हटके क्या आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको EDTA-1 कहते हैं। अगर EDTA-2 की बात करें तो जैसे ही EDTA-2 होता है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन क्या होता है, और निकल जाता है, और उसकी जगह क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। अगर हम EDTA-3 की बात करें तो जो EDTA-3 में एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और माइनस चार्ज आ जाता है। इसी तरह EDTA-4 की बात करें तो इसके सभी के सभी हाइड्रोजन निकल जाते हैं और 4 माइनस चार्ज इसमें कंटेन कर लेता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, अब ये क्या है, अब ये पूरा का पूरा डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट कौन सा होता है, EDTA-4 वाला, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो -1 में एक ये डोनेट कर सकता था, एक ये ट्राइडेंटेट, -2 में 1 2 3 4 टेट्राडेंटेट, फिर एक पेंटाडेंटेट, फिर एक हेक्साडेंटेट, और इसी को हम कहते हैं ये क्या है, पॉलीडेंटेट है। तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने कल देखा था जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या हमने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखे थे, अब हमें बात करना है कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज
और एक होता है आपका न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है? एम एल एक्स प्लस एन होता है। नेगेटिवली चार्ज में एम एल एक्स माइनस एन होता है। दैट मीन्स एम मतलब सेंटर मेटल एटम, एल मतलब लिगेंड, एक्स मतलब लिगेंड का नंबर, और एन मतलब इसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो लिगेंड न्यूट्रल होता है उसमें एम एल एक्स जीरो होता है। क्या होता है? एम एल एक्स जीरो होता है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को थ्री टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज का एग्जांपल देखें तो CuNH3 कॉपर अमोनिया या एमीन कहते हैं इसको, एमीनो 4+2। तो ये क्या है? आपका पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज के लिए हम क्या कह सकते हैं? जैसे FeCN6-4। ठीक है, और न्यूट्रल के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हमारा हो गया NiCO4। अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम एक अलग तरह से लिख सकते हैं, कैसे? CuNH3-4, क्योंकि आयंस में कोई भी चीज स्पीसीज नहीं रहती इसलिए वो आयंस को हटाती है। तो दो पॉजिटिव, तो दो दो पॉजिटिव के लिए ऐसा स्पीसीज लेंगे, क्योंकि क्लोरीन में एक, क्लोरीन में एक माइनस, तो Cl2 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे दो माइनस आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए FeCN6 के ये जो 4- है इनको हटाने के लिए हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज ले लेते हैं। जैसे पोटेशियम में +1 होता है तो 4 पोटेशियम ले लिए तो ये बैलेंस हो गई। तो जनरली जो आपको कॉम्प्लेक्स लिखे मिलते हैं वो इस फॉर्म में लिखे मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में नहीं मिलते। आपको फाइंड करना पड़ता है कि वो पॉजिटिव स्पीसीज होगी या नेगेटिव स्पीसीज होगी। अगर आपके यहाँ पे साइड में, राइट हैंड साइड में, कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड में कोई एन आयनिक स्पीसीज लगी है, दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज, दैट मीन्स मेटल लगी हुई है, तो आपका कौन सा होगा? नेगेटिव स्पीसीज होगा। तो इस तरह के ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टाइप्स हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है। अब जो सवाल उठता है, अब हमें इनकी नेमिंग करने का होता है कि हम इनकी नेमिंग करते कैसे हैं, वो भी IUPAC मेथड से। तो हम क्या देखते हैं? हम दो तरीके से देखते हैं। पहला तो देखते हैं, पहले हेडिंग ही डाल लेते हैं क्या, IUPAC नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो पहला जो है वो है रूल्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं किसके लिए, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, नेगेटिव वाले की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसका जो रूल है, रूल फर्स्ट वो क्या है? देखो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नेम द कैटायन जो आगे लगी हुई है कैटायनिक स्पीसीज, हम पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेम द कैटायन स्पीसीज जो आगे लगी हुई है, सबसे पहले उसका नेम लिखते हैं। दूसरा फिर क्या लिखते हैं हम? लिखते हैं अगर पॉजिटिव वाली स्पीसीज है तो दूसरा पॉजिटिव वाले के लिए स्पीसीज क्या है, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड हैं, लिगेंड्स का नंबर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास दो लिगेंड हैं तो आप उसको डाई लिखोगे, तीन लिगेंड है तो आप उसको ट्राई लिखोगे, फोर लिगेंड है तो आप उसको टेट्रा लिखोगे, पांच है तो पेंटा लिखोगे, और ऐसे ही सोवन लिखते जाओगे, आपने पढ़ रखा है 11th। इसके बाद जो इस पे तीसरा रूल है वो क्या है, राइट द नेम ऑफ लिगेंड, नेम लिखना है किसका, लिगेंड का लिखना है, और वो भी किसमें, इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना है, मतलब अल्फाबेट में जो पहले आ गया उसका नेम पहले लिखा जाएगा। जब इसका नेम लिख जाए तब आपको क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय, नाम लिखने के बाद फॉलोड बाय
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन फॉर्मेट, इन रोमन फॉर्मेट किसमें, रोमन नंबर में लिखना है, किसमें लिखना है आपको, रोमन नंबर में लिखना है। जैसे रोमन नंबर क्या, रोमन नंबर वन, एक है अगर ऑक्सीडेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसमें लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। फिर अगर उसके पास क्या है, अगर उसके पास एनायनिक स्पीसीज है तो क्या लिखेंगे, देन राइट द नेम ऑफ एनायनिक स्पीसीज, तब आप क्या लिखोगे, एनायनिक स्पीसीज का नाम लिखोगे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है CrNH3, यह है क्रोमियम, यह क्या अमोनिया, CH3 का 3, H2O का 3, देखो दो दो तरह के लिगेंड्स आ गए, अभी तक हमने दो तरह के लिगेंड्स का एक भी एग्जांपल नहीं लिया था, अब क्या ले रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है, लास्ट में लगा हुआ है क्या, Cl3, क्या लगा हुआ है, Cl3। तो आपको ये स्पीसीज पता कैसे चलेगी कि क्या है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लगी है, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो एक Cl एक माइनस रखता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 Cl माइनस है, तो यहाँ पे प्लस 3 आएगा, क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। अगर प्लस 3 है तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लेते हैं, क्रोमियम की चाहिए तो एक्स, प्लस अमोनिया क्या है गैस, तो 3 × 0, प्लस H2O क्या है, H2O भी क्या है, न्यूट्रल है, H2O भी क्या है, न्यूट्रल है, तो 3 × 0 इक्वल जो यहाँ पे चार्ज है वो प्लस 3 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल प्लस का 3, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, क्रोमियम की, प्लस का 3 में। बस आपको क्या करना है, इसका नेम लिखना है, कैसे लिखना है, सबसे पहले एनायनिक कैटायन लिखना है, वो क्या है नहीं है, फिर क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, लिगेंड दो तरह के हैं, अब आप अल्फाबेटिकली किसको फॉलो कराओगे, क्योंकि इसको कहते हैं एमीन, इसको क्या बोलते हैं, एमीन, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा, इसको बोलते हैं अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं एमीन, ठीक है, और H2O को बोलते हैं एक्वा। तो कौन पहले आ रहा है, ए तो सेम है, एम क्यू में कौन सा आता है, पहले एम आता है, तो हम सबसे पहले जो नेम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, अमोनिया का लिखेंगे, कितना है, 3 मतलब ट्राई एमीन, क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई मीन, ट्राई एक्वा, और मेटल कौन सी है, क्रोमियम, मेटल कौन सी है, क्रोमियम, तो आप सीधे सीधे लिख दो क्या, क्रोमियम, मैं थोड़ा स्पेस में लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या क्या है आपके पास, आपके पास है 3 अमोनिया है, लिखोगे ट्राई एमीन, फिर लिखोगे ट्राई एक्वा, फिर लिखोगे क्रोमियम, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd, तो 3rd, फिर क्या है लास्ट में, क्लोराइड, तो क्लोराइड का आपको नंबर नहीं लिखना, सीधे सीधे आपको लिख लेना है क्लोराइड कितने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसी तरह आप जब पॉजिटिव स्पीसीज के लिखोगे तो भी आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, बस जितना भी होगा आप उतना ही कर दोगे उसका। अब अगर आपके पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये तो किसके लिए था, पॉजिटिव वाले के लिए, न्यूट्रल वाले के लिए, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि क्या है, निगेटिवली चार्ज है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, पॉजिटिवली चार्ज की बात कर रहे थे, अब हमें बात करनी है निगेटिवली चार्ज की, तो जब निगेटिवली चार्ज की बात करेंगे तो रूल वही रहेगा, पहला जो रूल रहेगा, नेम द कैटायन, नेम द कैटायन, सबसे पहले कैटायन का नेम विदाउट नंबर, दूसरा रूल, फिर क्या लिखोगे आप, फिर लिखोगे राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नंबर, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लिखने के बाद आप क्या करोगे, राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब आप कौन सा यूज करोगे ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही यूज करोगे। इसके बाद जब आप चौथे नंबर में पहुंचोगे तो आपको क्या लिखना पड़ता है, मेटल का नेम लिखना पड़ता है, ठीक है, नेम ऑफ मेटल, लेकिन यहां पे बस जो ध्यान देने वाली बात है कि मेटल का नेम लिखने के बाद भी क्या लिखोगे, ठीक है, विद विद सफिक्स, एक सफिक्स आपको लगाना पड़ेगा, सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है सफिक्स, दैट इज वो क्या है,
एट, एट ई मेटल के नेम के बाद आपको एट लगाना है, ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में वही सेम ऑर्डर, मतलब आप क्या लिखोगे, रोमन में लिखोगे, और बस पांचवें नंबर पे आप क्या लिखोगे, फाइनली राइट द नेम ऑफ एनायन, अगर एनायन है तो आप नेम क्या लास्ट में क्या लिख दोगे, उसका नेम लिख दोगे। बहुत सिंपल है, बस जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या लगाना है आपको मेटल में, बस यही वाला एक इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है, जब भी आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो तो आपको एट लगाना होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, K4 Fe CN6, क्या ले लिया मैंने, K4 Fe CN6, तो K क्या है, प्लस वन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गए, 4K+, मतलब 4+ आ गए, और जब 4+ आ गए तो Fe CN6 -4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 4+X+6-1=0, ठीक है, हमने क्योंकि प्लस फोर यहाँ कंसीडर कर लिया इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो कितना आएगा, 6 - 4, 6 - 4, 2, तो X - 2 = 0, दैट मीन्स X = +2, दैट मीन्स Fe क्या है इसमें, प्लस टू में है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, प्लस टू में। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे आगे क्या लिखा है, कैटायन कौन सा है, पोटेशियम, तो लिख दोगे सीधे सीधे पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद आपको इसका नंबर लिखना है, किसका, लिगेंड का, तो कितना है, 6 hexa, और ये क्या है, CN को कहते हैं साइनो, क्या कहते हैं, साइनो, और ये क्या है, आयरन, आयरन को क्या लिखते हैं, फेरस, क्या लिखते हैं, फेरस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरस में क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, और लास्ट में कुछ है नहीं, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकाल लेनी है इसके लिखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, नॉमनक्लेचर है, रूल्स है नॉमनक्लेचर के, जो कि आप बहुत सारे इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहीं पे ऐसे आ गया, जैसे SCN आ गया, SCN, तो ये क्या है, थायोसाइनेट है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा S बॉन्डिंग है, मतलब S से जुड़ा हुआ है, जो भी स्पीसीज जुड़ी हुई होगी एम्बिडेंटेट लिगेंड के केस में, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कैसे उसका नेमिंग करते हैं, कैसे उसका नेमिंग करते हैं, यह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप क्या लिखोगे, थायोसाइनाइट लिखोगे, थायोसाइनेट, फिर एस लगाओगे, फिर यहाँ पे मेटल नेम लिखोगे, ठीक है। आप जब इसको ट्राई करना, मैं कल के लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा, लेक्चर बड़ा हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे होम।